जोजो किड्स। सियार और शेर। जंगल का माहौल बिल्कुल शांत था। सभी जानवर बहुत परेशान थे क्योंकि राजा शेर काफी दिनों से बीमार थे। उल्लू शेर की देखभाल कर रहा था। हे भगवान, राजा शेर को जल्दी ठीक करो, पूरा जंगल परेशान है। हमारा क्या होगा, कोई भी खुश नहीं है। ये लो प्रसाद भालू भाई, इसे खिला दो, इस प्रसाद में बहुत ताकत है। मुझे पूरा विश्वास है इसे खाकर राजा जी जरूर ठीक हो जाएंगे, बंदर ने भालू से कहा। बंदर, भालू और उल्लू ने दिन रात राजा शेर की देखभाल की। सियार यह सब देखकर बहुत नाखुश था। वह नहीं चाहता था कि राजा फिर से स्वस्थ हो जाए। एक दिन सियार ने बंदर को मंदिर से राजा के लिए प्रसाद लाते हुए देखा। अरे दोस्त, कहाँ जा रहे हो ये प्रसाद लेकर? ये राजा जी के लिए है, मुझे पूरा विश्वास है अगर राजा जी रोज भगवान का प्रसाद खाएंगे और उल्लू वैद्य जी दवाई खिलाएंगे तो वे बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता अब राजा शेर कभी ठीक हो पाएंगे, और अगला राजा मुझे तो लगता है मैं ही बनूंगा। चुप हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारे राजा जरूर ठीक होंगे, और तुम कभी राजा नहीं बनोगे, ये सपने देखना छोड़ दो। बंदर जब राजा शेर के पास पहुंचा तो उसने सारी बात भालू और उल्लू को बताई। मुझे तो लगता है कि जरूर राजा शेर की बीमारी के पीछे इस सियार का ही हाथ है, ये राजा बनना चाहता है और शायद इसी लालच में इसने कोई चाल चली होगी, इस पर हमें नजर रखनी चाहिए। अब तीनों मिलकर राजा की देखभाल तो करते ही थे। रात में एक एक करके गुफा के आसपास छिपकर पहरा देने लगे। एक रात बंदर ने देखा सियार राजा शेर के खाने में कुछ मिला रहा था। बंदर ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और शोर मचाया। सभी इकट्ठा हो गए और सब ने मिलकर सियार को पीटना शुरू कर दिया। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, अरे छोड़ो, अरे छोड़ो। तभी शेर उठा और सबसे कहा, छोड़ दो इसे, इसके किए की सजा आप लोग इसे दे चुके हैं। आप ठीक हो गए? मैं बीमार तो हूँ सियार, मगर इतना भी नहीं कि सही और गलत को ना पहचान सकूं। तुम इस जंगल से अभी निकाले जाते हो, आज के बाद इस जंगल में तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। और इस तरह सभी जानवरों ने सियार को जंगल से बाहर निकाल दिया, और कुछ ही दिनों में राजा शेर फिर से तंदुरुस्त हो गए। पैसों का पेड़। एक गांव में बड़े बड़े आम के बहुत से पेड़ हुआ करते थे। सभी लोग जी भर कर आम खाते और बेच देते, मगर धीरे धीरे गांव के लोग इतने सारे आम सालों से देखते हुए बोर होते जा रहे थे। एक दिन गांव में बहुत बड़े संत आए, सभी ने उनकी बहुत सेवा की। संत ने जाते जाते सबसे पूछा, आप सभी गांव वालों की सेवा और श्रद्धा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, कहो आप सबके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? संत महाराज, हम इन आमों से बहुत बोर हो चुके हैं, क्या इन पेड़ों पर कुछ और नहीं लग सकता? हाँ हाँ, क्यों नहीं लग सकता? काश इन पर आम की जगह पैसे लग जाएं। संत मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा मैं चलता हूँ। संत के जाते ही अगले दिन से सभी पेड़ों पर आम की जगह पैसे लगने लगे। अरे देखो, संत महाराज ने हमारी इच्छा पूरी कर दी। सभी लोग बहुत खुश थे, अब जिसे जितनी जरूरत होती उतने पैसे तोड़ सकता था। अब हर तरफ खुशियाँ थी, बस गांव के सभी बच्चे अब बहुत उदास हो चुके थे। जाओ बेटा, जाकर खेलो। कहो जाऊं, पहले तो हम गुलेल से आम तोड़ते थे और उन्हें खाते थे, कितना मजा आता था माँ। अब इन पैसों का हमें क्या करना है, ये तो आपके लिए है, हमें तो अपने आम बहुत पसंद थे। धीरे धीरे सभी गांव के बच्चे उदास रहने लगे और बीमार पड़ गए। अरे बहन, कुछ करना होगा। हाँ, पर क्या करें, हमारे बच्चे जल्दी ठीक होने बहुत जरूरी है, हमने अपने लालच में आकर बहुत बुरी इच्छा मांगी है, ये लालच है, हमें अपने बच्चों को अपने पुराने पेड़ और फल वापस करने हैं।
सभी गांव वाले अब इन पेड़ों से छुटकारा चाहते थे, इसीलिए उन्होंने संत महाराज को ढूंढा। महाराज, महाराज, आपका वरदान वापस ले लीजिए। आप गांव में आकर देखिए, सभी बच्चे बीमार पड़े हैं। हमें इन पेड़ों की कोई जरूरत नहीं। ठीक है बेटा। संत ने अपना आशीर्वाद वापस ले लिया और गांव में फिर से खुशियां वापस लौट आईं। सोने की माया मछली। दीपू एक बहुत अच्छा बच्चा था। उसे उसकी माँ रोज मछलियों को खाना डालने के लिए दिया करती थी। दीपू चलो बेटा, जाकर ये खाना मछलियों को डालाओ। जी माँ। दीपू रोज खाना लेकर नदी किनारे जाता और मछलियों को बड़े मजे से खाना खिलाता। मछलियाँ भी दीपू के आते ही खुश हो जाती। देखो देखो, दीपू आ गया। हो, चलो चलो खाना खाते हैं। सभी मछलियाँ दीपू की बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी थीं। एक दिन जब दीपू मछलियों को खाना खिला रहा था, उसने एक मछुआरे को वहाँ आते हुए देखा। आज इन सारी मछलियों को पकड़ लूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। मछुआरे ने मछलियों पर जाल बिछा दिया और उस जाल में बहुत सी मछलियाँ फंस गईं। वाह, बहुत सारी मछलियाँ फंसी हैं। आज तो दावत होगी। इन्हें छोड़ दो, इन्हें मत मारो। ये सब मछलियाँ बहुत अच्छी हैं। ये मेरी दोस्त हैं। पीछे हटो, अब ये मेरी हैं। मैंने इन्हें पकड़ा है, ये मेरी मेहनत का नतीजा है। मैं तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा, बस तुम इन्हें जल्दी से छोड़ दो, नहीं तो वे मर जाएंगी। दीपू रोने लगा। तभी एक सोने की मछली ने दीपू को आवाज दी। दीपू दीपू सुनो, रोना बंद करो और जल्दी से आकर ये मछली मेरे हाथ से ले जाओ। कौन? तुम बोल सकती हो? हाँ, तुम उन्हें बचाना चाहते हो ना? हाँ, मैं उन्हें बचाना चाहता हूँ, वो मेरी दोस्त हैं। तो ये लो, ये मछली जाकर उस मछुआरे को दे दो, फिर देखो क्या होता है। दीपू ने सोने की माया मछली से वह मछली लेकर मछुआरे से कहा। ये लो, इसे भी ले जाओ। अरे वाह, बहुत समझदार लगते हो, लाओ मेरी मछली। जैसे ही मछुआरे ने वो मछली पकड़ी, जादू से वह मछली एक सांप में बदल गई। अरे, इतना बड़ा काला सांप, बचाओ बचाओ, यह मुझे काट लेगा, बचाओ बचाओ। मछुआरा डर के मारे सभी मछलियों को वहां छोड़कर भाग गया और दीपू ने तुरंत सभी मछलियों को एक एक करके तुरंत पानी में डाल दिया। सुनहरी मछली, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारे कारण मैं अपनी दोस्तों की मदद कर पाया। तुम बहुत अच्छे हो दीपू। मगर तुम बोल कैसे सकती हो? मैं माया मछली हूँ। हर नदी में एक सोने की माया मछली होती है, लेकिन वो सिर्फ उन्हीं के सामने आती है जो दिल के बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि तुम दीपू। क्या तुम मेरी भी दोस्त बनोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आज से हम दोनों दोस्त हैं। और इस तरह माया मछली ने अपनी सहेलियों और अपने दोस्त दीपू की मदद की। सोना देने वाला सांप। एक गांव में रत्नू नाम का एक भला लड़का रहता था, लेकिन वह बहुत गरीब था। उसे हर किसी की मदद करना अच्छा लगता था। एक दिन रत्नू घर से बाहर था, रास्ते में एक आदमी दिखा जो एक सांप को लाठी से जोर जोर से पीट रहा था। अरे भाई, ये क्या कर रहे हो, ये मर जाएगा। हटो पीछे, ये सांप मेरे रास्ते में आया था, अगर मैंने इसे नहीं मारा तो ये मुझे मार डालेगा। नहीं नहीं, इसे मत मारो, मैं इसे अपने साथ ले जाता हूँ। रत्नू ने सांप को अपने साथ लिया और घर आ गया। सांप को बहुत चोट आई थी, इसीलिए रत्नू ने उसे दवा लगा दी और सोने चला गया। अगले दिन रत्नू ने देखा कि सांप के आसपास बहुत सा सोना रखा था। सांप ने रत्नू से कहा, ये तुम्हारे लिए है दोस्त, आज से मैं हर रोज तुम्हें सोना दूंगा, बस तुम सबकी मदद करना मत भूलना, सबकी जान बचाया करो। अब हर रोज सांप रत्नू को सोना देता और रत्नू हमेशा की तरह सभी की मदद करता। एक दिन जब उसी आदमी को रत्नू और उसके सोना देने वाले सांप के बारे में पता चला, तो उसने रत्नू के घर चोरी कर सांप को चुराने की कोशिश की। सांप ने तुरंत उस आदमी को डस लिया। अरे बचाओ बचाओ, कोई है, बचाओ। रत्नू दौड़ता हुआ आया, आदमी दर्द से छटपटा रहा था। रत्नू ने झट से सारा जहर निकाला और उसकी मरहम पट्टी की। अरे भाई, तुम्हें क्या हुआ,
तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इस सांप से बहुत डर लगता था, फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे माफ कर दो रत्नू, तुम सच में बहुत दयालु हो, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में आ गया था, मुझे पता चला कि तुम्हारा सांप सोना देता है, तो मुझे लगा इस सांप को मैं अपने घर रख लूं, ये मुझे भी सोना देगा। इसी लालच के कारण मैं इसे चुराने आया था, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। हे नाग देवता, मुझे माफ कर दो। नाग ने और रत्नू ने उस आदमी को क्षमा कर दिया और फिर वह दोनों हमेशा की तरह साथ रहने लगे और वो आदमी वहां से चला गया और लौटकर कभी नहीं आया। घायल बंदर। एक जंगल में एक बहुत अच्छा बंदर रहता था। वो हमेशा सबकी मदद करता था, कभी भी किसी को परेशान नहीं करता था। जब भी जंगल में कोई शिकारी आता तो वो सभी जानवरों को जाकर बता देता और सभी जानवर शिकारी से छुपकर अपनी जान बचा लेते थे। एक दिन बंदर बड़े आराम से पेड़ पर बैठकर आम खा रहा था, तभी उसकी नजर एक शिकारी पर गई। अरे ये शिकारी यहाँ क्या कर रहा है? जरूर शिकार करने आया है, अभी जाकर अपने दोस्तों को बताता हूँ। अरे सुनो, शिकारी यहीं आ रहा है, चलो छुप जाओ, अपनी जान बचाओ। बंदर की बात सुनकर सभी जानवर जैसे बिल्ली, चूहा, हाथी सभी अपने अपने घर जाकर छुप गए, मगर लोमड़ी अभी भी वहीं खड़ी थी। बंदर ने लोमड़ी से पूछा, क्या बात है, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? चलो जाकर छुप जाओ, शिकारी यहीं आ रहा है। मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, हमें डराने के लिए ऐसा कर रहे हो। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, देखती हूँ आखिर कौन शिकारी यहाँ आएगा। बंदर के समझाने पर भी लोमड़ी नहीं मानी और वहीं खड़ी रही। कुछ ही देर में जब शिकारी वहाँ आया तो लोमड़ी को देखकर खुश हो गया। अरे वाह लोमड़ी, आज तो इसे पका कर खाऊंगा। जैसे ही शिकारी ने तीर चलाया, बंदर ने उछल कर लोमड़ी को धक्का दे दिया। लोमड़ी और बंदर दोनों गिर गए। बंदर की पूंछ में तीर लग जाने के कारण वह घायल हो गया। गुस्से में लोमड़ी सभी जानवर शिकारी को मारने के लिए दौड़े। चलो दोस्तों, इस शिकारी को अभी मजा चखाते हैं। हाँ हाँ चलो चलो। इतने सारे जानवर एक साथ देखकर शिकारी घबरा गया और वहां से भाग गया। घायल बंदर को देखकर लोमड़ी ने बंदर से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो बंदर भाई, मैंने तुम पर भरोसा ना करके बहुत बड़ी गलती की, आज तुम ना होते तो ये शिकारी मेरी जान ले लेता, मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं तुम पर कभी शक नहीं करूंगी, तुम बहुत अच्छे हो। कुछ दिन तक लोमड़ी ने बंदर की बहुत सेवा की, जब तक कि वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो गया, फिर दोनों हमेशा के लिए अच्छे दोस्त बन गए। प्लीज सब्सक्राइब।